श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोरी आश्रम ट्रस्ट के तत्वाधान में आज कथा के दूसरे दिन प्रातःकालीन सत्र की पाली में पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार धाम जी पीठाधीश्वर ने दिव्य दरबार लगाया, प्रांगण में मौजूद भक्तों के पर्चे बनाए। कौन जिला है तेरा? ऐसे लोग वहीं पाए जाते हैं। अच्छा, अच्छा सेवा कार्ड भी तो है तुम पे। ओ वाह, बालाजी के छो। माँ कहाँ है तुम्हारी? इनको झाड़ा लगवाने के लिए ले आना, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए माइक। तो कोई नहीं है, तेरे पति का लड़की है, तुम क्या देख रहे हो? किसी को डरता नहीं? किसी के पति के पास की जा रही है, किसी को क्या ये लोग नहीं पाए? हैं? वो लोग नहीं पाए? धान मुट्ठी के दोनों हाथ रखी तो नहीं छोड़ी, अगर इसका होना ही था बता है तो दियो। तो वही प्रेतराज की कचहरी लगाकर भक्तों के संकट को हरा, जिसमें मुरादाबाद, संभल, बदायूं, बिहार आदि शहर एवं जिलों से आए भक्ति की पर्ची शास्त्री जी द्वारा पर्चा बनाया गया और उनके प्रश्नों का उत्तर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। आज दिव्या दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने अपनी सामूहिक अर्जी लगाकर बागेश्वर सरकार धाम पर दर्शन कर अर्जी लगाने का प्रण लिया। दोपहर के सत्र में सर्वप्रथम प्रख्यात वेदांताचार्य एवं भागवताचार्य नैमिष व्यास पीठाधीश्वर श्रीमद जगदाचार्य उपेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद बाबा बागेश्वर महाराज जी के द्वारा हनुमंत कथा शुभारंभ करते हुए कहा, तुम रक्षक कहो को डरना, चौपाई पर कथा को आगे बढ़ाया। बाबा बागेश्वर जी महाराज ने कहा कि सभी को अपने जीवन में मूल मंत्रों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने जीवन में मूल मंत्रों को अपना लेंगे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम जी बोले कि व्यक्ति को अपनी आय का आधा खर्च करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कमाते हो उसमें से आपको सेवा में भी खर्च करना चाहिए। बाबा ने कहा कि मनुष्य को माफ करने की आदत डालनी चाहिए और क्षमा करने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब आप में क्षमा करने की आदत होगी तो आपका जीवन बहुत ही सरल और सफल होगा। आगे कहा कि मनुष्य को अपनी गलती स्वीकार करना आना चाहिए। जब व्यक्ति भूल को स्वीकार कर लेगा तो फिर उसकी विनम्रता में महानता होती है, तो आपको भी विनम्र बन जाना चाहिए। मनुष्य में जब संतुष्टि आ जाती है तब हमें किसी को भी देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जितना दिया है उसी में संतुष्टि मिलनी चाहिए। प्रांगण में मौजूद सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि जब मनुष्य को आगे बढ़ना होता है तो उसे बहुत से मूल मंत्रों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आज का काम आज ही पूरा करेगा वो हमेशा ही तरक्की की ओर आगे बढ़ता है, उसी के साथ भगवान हनुमान जी हमेशा ही मदद करने के लिए आठ रहते हैं। बाबा जी ने कहा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अप्पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे को कब, इस चौपाई के विषय में बताते हुए बोले कि कल का काम आज ही करने की आदत जब आपकी पड़ जाएगी तो फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो हमेशा ही पछतावा करता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हुए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ मुख्य यजमान विनीत कुमार गुप्ता लोहिया, बिभोर कुमार गुप्ता लोहिया, विपिन कुमार गुप्ता लोहिया, विनय कुमार गुप्ता लोहिया परिवार सहित एवं श्री राम बालाजी धाम बाबा नीव करोरी आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा एवं सभी पदाधिकारी आरती में उपस्थित रहे। इस अवसर पर समस्त लोहिया परिवार भी उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन बाबा संजीव आकांक्षी जी के द्वारा किया गया। कथा में उपस्थित रहे श्रीमती अवधेश लोहिया, श्रीमती कुमकुम गुप्ता, नयन तारा गुप्ता, शिखा गुप्ता, भारती गुप्ता, अनुभव लोहिया, अनमोल लोहिया, आकर्ष लोहिया, विवेक शर्मा, शुभम भारद्वाज, राम रतन शर्मा, राजेश सक्सेना, गौरव अग्रवाल, पंकज सक्सेना, विनोद राय, परेश सक्सेना, शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, विनीत गुप्ता, राकेश अग्रवाल, अजय नारंग। सीताराम जपोगे, घर के बाहर धर्म ध्वज झंडा लगाओगे, पेशी करोगे, बालाजी के चरण पकड़े रहोगे, पक्का पक्का पक्का। तो जाओ हम